हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सेज़वान पेस्ट। इसके लिए मैंने 10 रेड चिली ली हैं। यहाँ पर आप ड्राई रेड चिली ले लीजिए और इनको इस तरह से हमें पानी में डालना है। इन रेड चिली को हम इस तरह से पानी डालकर 1 मिनट तक कुक करेंगे। 1 मिनट कुक करने के बाद अब इसे हम ठंडा होने के लिए 15 मिनट्स रख देंगे। अब हम जार में 2 टेबलस्पून गार्लिक ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून जिंजर ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं रेड कैप्सिकम ले रही हूँ हाफ। हम रेड कैप्सिकम इसलिए लेते हैं क्योंकि इसमें लाइकोपीन होता है जो कि बहुत अच्छा होता है हार्ट के लिए, और कैप्सिकम हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है और हमारी आइज़ के लिए भी अच्छी होती है। अब इस जार में हम ये कैप्सिकम डालेंगे। 2 टेबलस्पून इसमें हम टमाटो प्यूरी डालेंगे, थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून शुगर ऐड करेंगे। अब इसको हम अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। इसमें रेड चिली डालेंगे और इसको हम अब अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। अब इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून के लगभग डालेंगे। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो आप कलर भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून विनेगर ऐड करेंगे। अब हम 3 टेबलस्पून के लगभग सेसमे ऑयल को गर्म करेंगे जब तक कि इसमें से फ्लेम नहीं आने लगती है। अब इस ऑयल में हम इस सॉस को डाल देंगे। हम इसमें ऑयल इसलिए ऐड करते हैं जिससे कि हम इसे स्टोर करके रख सकें। इसे हाफ मिनट हल्का हम कुक करेंगे और ये देखिए सेज़वान सॉस रेडी है। इसे हम चाउमीन के साथ में, मोमोज के साथ में खा सकते हैं। Thanks for watching my channel. Please subscribe my channel.